हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक व्लॉग। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं इशिन के कुछ कपड़े साइड कर रही थी। मतलब अभी थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो जो मैं उसके गर्मी के कपड़े थे वो अलग निकाल रही थी और जो ठंड के कपड़े थे वो अलग निकाल रही थी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी रख दिया था, पर एज़ ऑलवेज़ इशिन के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग पर रखो ना तो वो व्लॉगिंग करने ही नहीं देता है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ, मैं कुछ काम कर ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने आज दिन भर में मैंने क्या किया है। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। सो गाइज़, ये देखिए इशिन यहाँ पर मस्ती कर रहा था, वो वीडियो रिकॉर्ड होने ही नहीं दे रहा था। वो 10 बार मोबाइल के पास जाता है, देखता है क्या है और पट से मोबाइल उठा लेता है, तो फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग होने ही नहीं देता है। तो यहाँ पर मैंने उसे एक बार फिर भी अपने पास बिठा के रखा, फिर भी वो उठ के दोबारा से वो वीडियो बंद करने के लिए चला गया था। सो यही चल रहा था। तो आज ना इशिन ने मुझे व्लॉगिंग करने ही नहीं दी। तो फिर उसके बाद में मैंने उसे अपने इन लॉ के पास भेजा, मेरी सिस्टर इन लॉ है उसके पास भेजा। मुझे खाना भी बनाना था, खाना बनाते टाइम मैं उसे वहाँ पर भेज देती हूँ क्योंकि वो खाना बनाने भी नहीं देता है, तो इसलिए मैं उसे वहाँ पर भेज देती हूँ। तो यहाँ पर वो मस्ती कर रहा था और वीडियो का बंद करने गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ये करने ही नहीं देगा, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली दूसरे हिस्से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फली बनाने वाली हूँ आज डिनर के लिए, तो वो मैं अच्छे से तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैं बस वही फली तोड़ रही थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए गाइज़, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती जाऊँगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, मेकअप वीडियोज़ भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने बारिश हो रही थी तो मैंने मूंग पकोड़े बनाए थे, वो आपके साथ शेयर करना रह गया था। तो मूंग पकोड़े बनाए थे, उसी का यहाँ पर ऑयल बच गया था तो उसी को मैं अब एक कंटेनर में निकाल लूँगी और फिर उसके बाद में मैं सब्ज़ी बना लूँगी, वेस्ट नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं एक अनियन ले रही हूँ सब्ज़ी बनाने, इसमें पोटैटो भी मैं ऐड करूँगी, तो अच्छी बनी थी सब्ज़ी। आज मैं दूसरे दिन ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो कल ये वीडियो आ जाएगा शायद से। तो प्याज काटते काटते ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं इनकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो ये मुझे हमेशा रुला देते हैं। और सच में मैं एक भी प्याज चॉप कर लूँ ना तो मैं रोने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल जो था उसे मैं निकाल लूँगी एक कंटेनर में, तो उसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले ना गैस ऑन करके तेल को गर्म होने रख दूंगी। सो गाइज, मुझे बहुत सारे कमेंट, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं एक वीडियो में कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसा ही आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। हमारा सपोर्ट, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे ना तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैंने अनियन चॉप करना स्टार्ट कर दिया है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अरे वाह, मैंने तो फ्लेम ऑन ही नहीं की और तेल ऐसे ही रख दिया था, मेरा भी दिमाग कभी कभी चलता नहीं है, झल्ली हो गई हूँ मैं सच में कभी कभी। तो मैंने हाई फ्लेम रखा था और उस पर ज़ीरा डाल दिया है सबसे पहले तो। और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी, प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का ऐड कर लिया है उसे अच्छे से। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसे मैं अब डाल दूँगी। तो यहाँ पर हम प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से उसे तो हल्का सा ब्राउनिश रंग हो जाए तब हम उसमें टोमेटोज हम अपने ऐड कर लेंगे। इसमें बीच बीच में चला लेना है क्योंकि आजू बाजू से जो है ना प्याज जलते हैं, तो आपको वैसा नहीं होने देना है। अब मेरे प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं तो इसमें मैं टमाटो ऐड कर लूँगी, बहुत ही छोटे छोटे जो बेर होते हैं ना उसके जैसे टोमेटोज थे, तो मैंने अच्छे से 5 से 6 टमाटर लिए हैं। टमाटर ऐड करो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अलग ही आता है, तो मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर लिए हैं। और इसमें अब मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लूँगी, नमक ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से चला लेना है और टमाटो को अच्छे से पकने तक, अच्छे से वो मैश हो जाए इतना पकने तक, पकने आपको रखना है। सो
गाइस अब मैं इसमें एक आलू भी डाल रही हूँ, आलू क्योंकि ईशन को पसंद है, पोटैटो पसंद है, वो पोटैटो के साथ रोटी खा लेता है, तो इसमें मैं आलू भी चॉप करके डाल दूँगी। और फिर हमारे टोमेटोस को है वो हम देख लेंगे उसे अच्छे से। अब इसी पॉइंट पर मैं ना इसमें धनिया भी काट कर डाल देती हूँ। पहले मैंने धनिया को धो लिया है अच्छे से। इस पॉइंट पर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और सुगंध भी काफ़ी अच्छी आती है। तो धनिया डालने के बाद में ना हम इसे चला लेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद इसे फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बताया ना आपको कि आपको अच्छे से मैश होने तक इसे पकने देना है, तो इसे मैं कम से कम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाती हूँ टोमेटोस को। तो फिर इसके बाद में मैंने चावल जो है वो चुन लिए थे, चावल साफ ही थे पर फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। और उसके बाद इसे हम अच्छे से 2 पानी से मैं चावल को धोती हूँ, एक टैंक के पानी से और एक आरओ के पानी से। फिर इसके बाद मैं चावल में पानी ऐड करती हूँ, जितना आपको चाहिए उतना। तो हमें चावल थोड़ा सा गीला ही पसंद है क्योंकि ईशन भी खाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा नरम मैं बनाती हूँ। तो इसी पॉइंट पर मैं नमक भी ऐड करती हूँ। बहुत से लोग हैं वो चावल में नमक ऐड नहीं करते, पर मुझे नमक पसंद है। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि आप चावल में नमक ऐड करते हैं या नहीं ऐड करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चम्मच की हेल्प से टमाटोज को अच्छे से मैश कर रही हूँ और इसे अच्छे से चला लूँगी। तो यहाँ पर मेरे टोमेटोज़ पक रहे हैं, तब तक मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हल्दी आप बोल सकते हैं वो मैंने ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून मैं मिर्च ऐड कर दूंगी और आधा टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून फिर से यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। तो धनिया पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही धनिया पाउडर हमें ऐड करना चाहिए। सो गाइज इसके बाद हम इसे चला लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि वो अच्छे से ऐड हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर जो भी कचरा मैंने फैला के रखा था ना उसे मैं एक पॉलीथीन में पैक करके उसे फेंक दूंगी मैं। तो इसे अच्छे से मैं चला लूँगी। इस पॉइंट पर 2 मिनट मैं पकने दूंगी, मसाले को अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी मैंने फली तोड़ के रखी थी उसे ऐड कर दूंगी। पोटैटो और फली मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ, अलग अलग से ऐड नहीं करना है। इसे अच्छे से धोकर साफ करके आपको ऐड कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर मैं फली ऐड करने के बाद इसे फिर से हम अच्छे से चला लेंगे ताकि सब मसाले जो है वो फली में लग जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी फली काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाया था। एक्चुअली ना इतना ज़्यादा महंगा हो गया है सब्ज़ी का कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ अलग अलग नहीं। इससे अच्छा ना हम रोज़ चिकन खाए वही अच्छा रहेगा, पर क्या करें सब बहुत महंगा हो गया है अभी तो, देखते हैं। और तो यहाँ पर जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही है मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर आटे में भी मैं थोड़ा सा नमक, आटा गूँथते टाइम भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ और फिर इसके बाद में मैं इसमें पानी से आटे को लगा लूँगी अच्छे से। सो गाइस इस तरीके का व्लॉग आज जो है, ईशन तो मुझे व्लॉगिंग करने नहीं देता है, पता नहीं क्यों, तो उसे बहुत ज़्यादा वीडियो के सामने वो मोबाइल पकड़ लेता है। ऐसे तो मोबाइल देखता भी नहीं है, उसे बिल्कुल मोबाइल का शौक नहीं है, ना ही वो पोएम्स देखता है, ना ही कुछ, ना ही टीवी देखता है, उसे सिर्फ खेलने को चाहिए। पर हाँ जब मैं व्लॉगिंग करूँगी ना तब उसे पता नहीं क्यों तो वो मोबाइल को वो रखता ही नहीं है, देखने ही नहीं देता है, मुझे वीडियो ही नहीं बनाने देता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए ठीक है, इसके बाद मैंने आटा लगा लिया है। अब फिर से एक बार मैं हैंड वॉश कर लूँगी अच्छे से और फिर जो सब्ज़ी थी उसे हम एक बार और अच्छे से चला लेंगे। हमें उसे बीच बीच में मिक्स करते रहना है। इसे लो फ्लेम पर मैं पकने दूँगी, इसमें पानी हम इस पॉइंट पर ऐड नहीं करेंगे, इसे मसाले में ही हम अच्छे से पकने देंगे। तो अभी इसे मैं क्या करने वाली हूँ, दूसरे गैस पर लो फ्लेम पर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है। इसमें देखिए अपने आप ही पानी छूटने लग जाता है, तो इसे आप वैसे ही पकने दीजिए। और चावल में थोड़े सा पानी ऐड कर दिया था मैंने क्योंकि वो पकने का था। तो इसके बाद मैं अब यहाँ पर मैं ईशन का बॉटल वॉश कर लूँगी
जो फीडिंग बॉटल है वो वॉश करनी थी मुझे, तो यहाँ पर मैंने स्टेरिलाइजेशन के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं इशिन की फीडिंग बॉटल को, दूध की बॉटल को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आपको अच्छे से निरमा डालकर अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है अगर आप बच्चों को बॉटल से दूध पिलाते हैं तो क्योंकि अभी इशिन डेढ़ साल का तो हो ही गया है, तो इसीलिए मैं उसे बॉटल से दूध पिलाती हूँ। तो एक साल तक तो मैंने उसे अपना ही दूध पिलाया है। तो उसके बाद में ना इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और यहाँ पर जो भी पानी हो गया तो उसे मैं वाइपर से निकाल लूँगी। सो गाइज, यहाँ पर बॉटल वॉश कर लिए, पानी भी मैंने निकाल लिया है। तो पानी उबालने के बाद हम इसे बॉटल में डाल के रख देंगे ताकि वो अच्छे से स्टेरलाइज हो जाए, जो भी जर्म्स है उसके वो अच्छे से निकल जाए। तो जब तक पानी उबलने के लिए रखा था तब तक के लिए जो बॉटल्स खाली हो गई थी वो भी मैं भर लूँगी। हमारे यहाँ ज़्यादा पानी मैं तो नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी, पर अभी थोड़ी सी गर्मी रही है तो मेरे इन-लॉज और ईशन के पापा भी पीते हैं। तो यहाँ पर बॉटल्स भी मेरी भर के हो गई है। एक काम ख़त्म हो गया ना, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े थोड़े करके काम निकल ही आते हैं, तो इसके बाद इतना थके जैसा लगता है ना, ये सब काम करने के बाद ऐसा लगता है नहीं सिर्फ बिस्तर पकड़ के सो जाओ, पर क्या करें, हमें जागना ही पड़ता है ईशन के पापा के आने तक। और फिर इसके बाद और बहुत सारे काम होते हैं, खाना खिलाना, फिर वॉक करना, बहुत सारे काम होते हैं, तो बिल्कुल आराम का टाइम नहीं होता है। फिर इसके बाद में जो झूठे बर्तन रखे थे ना वो मैं पीछे साइड में रख दूँगी ले जाकर। और यहाँ पर सब्ज़ी देख लिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं जो भी इसमें पानी छूटा था वो अच्छे से सोख लिया है। तो इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी ऊपर से ताकि अच्छे से सब्ज़ी और पक जाए, क्योंकि आलू पकने के थे और पानी हमें चावल के साथ में खाने के साथ में थोड़ी सी ग्रेवी लगती है, इसलिए मैंने पानी उसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चावल भी देख लिए हैं, चावल पक चुके हैं या नहीं, पर चावल अच्छे से पक चुके हैं तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो इसके बाद में ना मैं बीच में पानी पी लेती हूँ, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, पर फिर भी पता नहीं मेरा वज़न क्यों बढ़ते जा रहा है। तो आप मुझे ज़रूर कोई टिप्स दीजिए। सो इसके बाद में ना इसने पूरा हॉल फैला के रख दिया था, तो मैंने फिर बेड वेड लगा लिया है, अच्छे से बेडशीट ठीक कर ली है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर कोई आया तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह लगा ली है। और यहाँ पर मकोड़े आ गए थे घर में, तो मैं उसे अच्छे एक साइड में मैंने निकाल दिया है, क्योंकि फिर डर रहता है ना इशिन को कहीं काट ना ले, तो इसीलिए फिर मैं मकोड़ों को निकाल लूँगी। और थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे कचरा भी दिख रहा था तो वो भी मैंने साइड में लगा दिया है। फिर गाइस, इसके बाद में मेरा ये सब होने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया था अच्छे से हैंड वॉश से। अब मैं आटा जो है वो उसे एक बार और चेक कर लूँगी ताकि मैं रोटी अच्छे से बना लूँ। 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था आटे को, आटा गूंथ कर। तो इसके बाद में अब मैं रोटी बना लूँगी। तो हमारे यहाँ पर ना नागपुर स्पेशल दो रोटी जो बनाते हैं वो बना लेती हूँ मैं जल्दी से, जल्दी भी हो जाता है, क्विक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना एप्रन बना लिया है, क्योंकि रोटी बनाते टाइम मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और ये कुर्ती भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं इसे मतलब दूसरे यूज़ के लिए, कुछ पोंछने के लिए मैं यूज़ में ला लूँगी। तो इसके बाद में मैंने गैस ऑन कर ली, तवा चढ़ा दिया है, तो अब मैं अपने रोटी बना लूँगी। तो मेरा खाना जल्दी बन जाता है वैसे तो, पर ये सब जो काम रहते हैं ना बीच बीच में उसके कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है, नहीं तो मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। वैसे भी हम लोगों को गरम गरम खाना ही पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ, पर ठीक है। तो इस तरीके से दो रोटी मैं बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उतने, मुझे नहीं पसंद है दो रोटी, मैं अपने लिए फुलका ही बनाती हूँ और ईशन के लिए भी मैं फुलका ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी रोटी को बेल लिया, अब मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। तो मैंने इसे थोड़ा सा कट कर लिया है, क्योंकि इतना लंबा मैं सब डाल दूँगी ना तो वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था और मुझे लंबा करने की मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि ये काफ़ी अच्छे से लंबा हो चुका था।
तो इसके बाद में मेरी रोटी भी अच्छे से मैं बना लूँगी। बीच बीच में आपको सब्ज़ी चेक कर लेनी है, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को चला लूँगी अच्छे से। और अभी थोड़ी देर में ईशिन आ ही जाएगा, तो वो कुछ करने नहीं देगा। तो इसे सॉरी कंटिन्यू ऐसा बोलते रहना तो खांसी आ जाती है। तो सब्ज़ी में मुझे थोड़ा सा गरम मसाला कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया है। काफ़ी लोग जो है ना ऊपर से गरम मसाला डाल देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, टेस्ट सेम ही आता है। तो ये सब होने के बाद में मैं देख सकते हैं दो रोटी जो डबल रोटी है वो उसे मैं निकाल रही हूँ। और इस पॉइंट पे अब देखेंगे, मैंने रोटियाँ होने के बाद में मैं चेक कर रही थी कि मेरा आलू जो है वो पका कि नहीं। आलू अच्छे से पक चुका है और मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। तो सब्ज़ी होने के बाद मैं थोड़ा टाइम फिर सीरियल्स वगैरह देखती हूँ। उसके बाद में मैं खाना खाने बैठ गई थी, तो यहाँ पर जो कुरोड़ी बोलते हैं वो मैंने तल लिया था, और रोटी सब्ज़ी और चावल। ईशन को मैंने खाना खिला दिया था ऑलरेडी, क्योंकि उसे भूख लग जाती है तो वो मेरे साथ में रुकता नहीं है खाने तक, तो उसे मैंने खाना खिला लिया था। खाना होने के बाद में यहाँ पर मैं वॉक करती हूँ, और वॉक भी नॉर्मल नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो गई है तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर स्पीडली वॉक करती हूँ। तो ये वॉक होने के बाद में मैं फिर यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसे कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से, और फिर उसे उबालने रख दूँगी। कल मैं एक्चुअली अदरक का पानी पीती हूँ, इतना गंदा टेस्ट करता है, पर क्या करे यार, खुद के लिए खुद के वज़न को कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब करना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ये अदरक का पानी रख दिया, इसमें उबाल भी आ गया है, तो मैं तब तक वॉक कर रहती हूँ, क्योंकि इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो मैंने लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से छोड़ दिया है ताकि ये हाफ हो जाए, और फिर इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट ठंडा होने के लिए लगता है, आपको पूरा नहीं ठंडा होने देना है, इसे कुनकुना ही पीना है। तो फिर इसे मैं छान लूँगी इस पानी को, क्योंकि जो अदरक के टुकड़े हैं वो भी मुँह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसे हम छान लेंगे, इसके बाद आप इसे पी सकते हैं। सो गाइज, आज ये वीडियो कैसा लगा है आपको, आप ज़रूर मुझे बताइए। और गाइज, वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ नए हैं ना मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, मस्तीखोर फिर आ गया और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। तो चलिए, वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।